हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, फाइनली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th हिंदी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th हिंदी संस्कृत से हिंदी के पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण श्लोक या इसे ही हम पद्यांश कहते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका हिंदी संस्कृत है इसमें गद्यांश पूछा जाता है और पद्यांश पूछा जाता है, ठीक है। गद्यांश में जैसे आपका संस्कृत भाषा या महत्तम, इन सब चैप्टर से गद्यांश पूछ लिया जाएगा महामना मालवीय से, और पद्यांश जो है श्लोक जो है वो ज्यादातर सुभाषित रत्नानी चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। और 7 नंबर का वो भी रहता है, 7 का ये भी। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, किस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में, सब कुछ हम डीपली समझेंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक पूछा जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्लोक के लिए, वो है सुभाषित रत्नानी, ठीक है। तो इस चैप्टर के 2 श्लोक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिस तरह आपको एग्जाम में लिखना है सेम उसी तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरह रहेगा, दिए गए पद्यांश, ठीक है, कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इस पद्यांश का संदर्भ के साथ हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ लिखिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, फिर इसका अनुवाद हिंदी में आपको व्याख्या करनी होगी। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 श्लोक मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घता सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि यहां पर कहने का मतलब क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, यानी कि क्या कहा गया है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यानी कि एक एक बूंद अगर जल का गिरता रहे तो उस घड़ा क्या होता है, कुछ ही समय में भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्यता, और यही हेतु विद्या धर्म और धन का भी है। अगर निरंतर आप उद्योग करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं आपके पास संग्रहित हो जाएंगी, यानी कि विद्या भी, धर्म भी और धनस्य, ठीक है। निरंतर आप लोगों के पास धीरे धीरे ये सब इकट्ठा होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यही कहा गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले ये श्लोक जो है इसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे जल है तो पहले आप लोग जल लिख दीजिए, ठीक है, जल बिंदु, फिर आपको लगाना है डॉट डॉट। जब श्लोक आप लोग सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से पहले इंटरफेस आपका होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से धनस्य चा, धनस्य चा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमें लिखना नहीं, लेकिन ये लिख दीजिए। इससे क्यों, क्योंकि जो आपके एग्जाम में 2 श्लोक रहेंगे आपको एक करना होगा। अब एग्जामिनर को कैसे पता चले आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, तो आप ऐसे डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि यही आपने किया है। अब सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, संदर्भ हेडिंग डालिए। संदर्भ में आपको क्या करना है, लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया। ऐसे आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, आपको रेड या ये सब पेन स्केच यूज नहीं करना है, ठीक है, ब्लैक का यूज कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अब संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, तो लिखिए प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब ये किस पाठ्य पुस्तक से है, तो संस्कृत भाग पाठ्य पुस्तक के, फिर लिखिए काले ब्लैक पेन से संस्कृत भाग, संस्कृत भाग, ठीक है। इस प्रकार से में संकलित, में संकलित। अब आप लिखिए चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, आपको और भी अच्छे से राइटिंग से लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग लिख सकते हैं तो और भी अच्छा आप लिखने का प्रयास करें, मैंने जिस प्रकार से लिखा आप उससे भी अच्छा लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर लेखक का नाम नहीं दिया रहता। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए आपको लिखना है अनुवाद, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसकी व्याख्या लिखना, तो आपको लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा, सॉरी स्केच डालिए अनुवाद, ठीक है। आपने हेडिंग क्या डाला, अनुवाद। अब अनुवाद कीजिए, हिंदी अर्थ लिखिए इसका। तो देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, आप लोग समझिएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया कि जल की एक एक बूंद,
जल की एक एक बूंद, ठीक है, गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है समस्त विद्याओं धर्म और धन, ठीक है, और धन का भी यही हेतु है, ठीक है। यानी धन धर्म और विद्या की भी यही रीति है कि इसमें क्या होता है, ठीक है, उद्योग निरंतर। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, लिखिए अर्थात, ठीक है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं, ठीक है, संग्रहित हो पाती हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका हिंदी अनुवाद। देखिए क्या कहा गया, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी यही हेतु है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। अब आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आप ये समझाइए एग्जामिनर को, ये पता चले कि कौन सा आपने किया, तो इस प्रकार से डॉट डॉट लगाकर लिख दीजिए, संदर्भ लिखिए, अनुवाद लिखिए। अगर आप सेम इसी तरह लिखते हैं पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जिस तरह लिख पाए, आपकी जैसी राइटिंग हो, और भी अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब देखिए दूसरा श्लोक हमारा है, सिंपल है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छद्धिम ताम व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रा कलहनवा, ठीक है। यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रा कलहनवा। क्या कहा जा रहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कालो गच्छत धीमताम, यानी कि कहा जा रहा है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र, ठीक है, के विनोद में बीतता है, यानी कि काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है। वो काव्य से और शास्त्र से आनंद लेकर अपना दिन बिताते हैं। बट व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रया कलहेवा, मूर्खाराम का मतलब मूर्ख लोग, लेकिन मूर्ख लोगों का समय बुरे शौकों में, ठीक है, व्यसनेन चा मूर्खाराम, बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। तो वही कहा जा रहा है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में बीतता है, ठीक है, काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो फिर वही आप लोग स्टेप बनाइए, सबसे पहले लिखिए इस प्रकार से ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या किया। तो काव्य शास्त्र, ठीक है, विनोदेन, फिर आप करना है डॉट डॉट, फिर लिखना है कलहेन हुआ, ठीक है, लिख दिया। अब आपको लिखना है संदर्भ, बट यहाँ पर संदर्भ मैं नहीं लिखूंगा, अगर एग्जाम में आता आप लोग लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो संदर्भ बताया वही सेम संदर्भ यहाँ पर भी लिखा जाएगा, तो आप लोग वही संदर्भ लिख देंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे अनुवाद, ठीक है। लेकिन आप बिना संदर्भ लिख कर मत आइएगा, क्योंकि आपको एक ही करना है, हमने यहाँ पर आपको दो बताया, तो जो उसका संदर्भ था वही सेम इसका भी होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो जो मैंने बताया वही मैं लिख देता हूँ, इसका अर्थ बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा, ठीक है, शास्त्रों के आनंद में या विनोद में, ठीक है, के आनंद में
बीतता है, बीतता है और मूर्खों का समय, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, बुरे शौकों में सोने में, ठीक है, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुरे शौक करते हैं, सोते ज्यादा हैं, ठीक है, या लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े में बीतता है, ठीक है। तो यही होगा इसका अनुवाद, ठीक। यानी कि क्या कहा गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है, ठीक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालोग धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहीन हुआ, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा, आप लोग संदर्भ सेम वैसे लिखिएगा अगर इस चैप्टर से आता है तो। आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे समझ में आ चुके होंगे, और अगर एग्जाम में ये दोनों में से कोई भी आता है तो आप आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे। इससे पहले भी मैं आपको कई श्लोक बता चुका हूं और आगे भी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस जरूर देना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।